आवाज नहीं आ रही। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ भाई, अब आइए। मैंने इतना बड़ा इंट्रो कर दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि आवाज अगर गई हो नहीं हो, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट लेता हूँ। आज हमारे साथ दो शख्सियत शामिल हुई हैं। मैं हूँ आपका होस्ट सलमान खान बादशाह के साथ। हमारे साथ शामिल है आसिफ भाई, पाकिस्तान की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, और शादाब के भी जो पाकिस्तान में खेले हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं 96 में। बड़ी यादगार इनकी पार्टनरशिप भी हुई थी सईद अनवर के साथ, पहले ही टेस्ट मैच में 136 रन की, जो मुझे आज तक याद है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शामिल होने का शादाब भाई आपका और आसिफ भाई आपका। थैंक यू सलमान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी थैंक यू सो मच। और अब लकी भी शामिल होंगे भाई सर। लकी सिंह हमारे इंडिया से होते हैं और वो हमारे एनालिस्ट होते हैं बादशाह के। छोटा सा हमारी ये कोशिश शुरू हुई है और आपने माशाल्लाह फील्ड शुरू किया है जो बड़ी तेजी से बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है, बड़े अच्छे एनालिसिस होते हैं। तो आज हमने सोचा कि एक फ्री हिट और बादशाह का कोलैबोरेशन करें और आज पाकिस्तान इंग्लैंड पे कुछ बात करें, फवाद आलम पे कुछ बात करें जो 11 साल का उनका इंतजार रहा है, और तीसरी बात हम खत्म करेंगे अजहर अली की कप्तानी पे, जो एक बड़ा हॉट टॉपिक हर वक्त रहता है। तो शुरू करते हैं पहले शादा भाई आपसे, थोड़ा सा बताइए आज पाकिस्तान 126 पे 5 विकेटें गिर चुकी हैं, क्या पिच में कुछ है, कंडीशंस की वजह से ये हो रहा है, आप खुद इंग्लैंड में खेले हैं, या ये जो है मसला जो है पाकिस्तान की बैटिंग के साथ है? देखिए, आपको पता है इंग्लैंड बड़ी बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है इंग्लैंड के अंदर, और स्पेशली बैट्समैन के लिए हमेशा से बड़ा मुश्किल रहा है वहाँ परफॉर्म करना, और जो प्लेयर परफॉर्म करता है वो बड़ी जल्दी स्टार भी बनता है। तो कंडीशन तो डेफिनेटली इंग्लैंड की बहुत मुश्किल रही है। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो एक इरादे करके बैठे आते हैं ना कि टॉस जीतेंगे हम बैटिंग ही करेंगे, वो एक अपने आप को जो पॉजिटिव इमेज एक देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेम वही हरकत जैसे वेस्ट इंडीज ने की थी, इंग्लैंड ने की थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, टॉस जीत के बैटिंग कर ली थी। तो ये जो माइंडसेट है ना, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है आपकी बैटिंग जो है वीक है, तो आप मेरे हिसाब से कोशिश ये करनी है कि जो आप जो चीज वीक है उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन देना चाहिए, ताकि ये कि आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। अगर टीम आपकी अभी खुदा ना खासा 100, 150, 200 रन पर आउट हो जाती है, तो और वो आपको फिर 100 रन चढ़ा देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप किस पोजिशन में आ जाएंगे। तो ये जो माइंड सेट है कोचिंग का और इस किस्म का, और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो कप्तान, क्योंकि कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है, अजहर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसकी वजह से अजहर बहुत बैकफुट पे लग रहा है। नॉर्मली डिसीजन कप्तान के होते हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये डिसीजन अजहर खुद ले रहे हैं। हो सकता है कोचिंग पैनल इतना बड़ा हो जो लगता है कि वो उनपे टेक ओवर कर चुके हैं और सारे डिसीजन उधर से ही आ रहे हैं। तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बाकी विकेट तो आपको पता है, विकेट आपके सामने स्विंग सीम तो होती है, और उसी को काउंटर करने के लिए आप पाकिस्तान टीम के में हिस्सा बने हो, और जो कि नजर आ रही है कि टेक्निकली साउंड तो हमारे हमारे क्या इंग्लैंड के भी, अब आप ओपनर्स देख लें वो भी इतने टेक्निकली साउंड नहीं है। हाँ। लेकिन आपने खेलना तो है, काउंटर तो करना है ना। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप टॉस जीत के आप मुसलसल जब बैटिंग कर रहे हो ना, वो एक प्रेशर एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है बैट्समैनों को। और शादा भाई बड़ी अच्छी बात की आपने, हालांकि इंग्लैंड के ओपनर साउंड नहीं है लेकिन उनकी अपनी कंडीशन है, फिर भी स्ट्रगल करते हैं, और ये तो पाकिस्तान की कंडीशन भी नहीं है। देखिए बिल्कुल यार, आपको पता है, और इंग्लैंड की बॉलिंग आपको अटैक आपको पता है एंडरसन है और ब्रॉड है, ठीक है ना। जिस तरह वो नया बॉल इस्तेमाल करते हैं, एंडरसन ने आज आप देखो हमेशा आपको ब्रेक थ्रू देता है, वो आउट करके चला जाता है आपका ओपनर, उसके बाद आपकी टीम जो है ना एक जल्दी आउट होता है उसके बाद स्ट्रगल करना शुरू हो जाती है। तो वो तो उनके पास वो आदि है इस चीज के, लेकिन हम लोग आदि नहीं है सीम स्विंग के इतने से। और जितना हम लोग क्रिकेट, अब जिस तरह हमारी सिलेक्शन हो रही है ना, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आसिफ भाई, आपकी बड़ी करीबी नजर रही है पाकिस्तान क्रिकेट पे भी, आप बड़े जुड़े रहे हैं और काफी आप उस पर तबसरे भी करते हैं। ये बताएं, अभी शादा भाई ने बड़ी खतरनाक बात कर दी, वो ये कि डिसीशन अजहर अली के नहीं आ रहे हैं और मैनेजमेंट का आता है, वो मैनेजमेंट जिनके अंडर अजहर अली ने अपनी क्रिकेट मोस्टली खेली है, ठीक है, तो कितना इम्पैक्ट होगा उस चीज का अजहर अली पे एज अ कैप्टन? तो आसिफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आसिफ भाई की आवाज हमारे तक पहुंची है? शायद भाई आवाज आ रही है आपको आसिफ भाई की? नहीं, मुझे नहीं आ रही है वो। नहीं आ रही। अच्छा आसिफ भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आसिफ भाई अपना ऑडियो फिक्स कर रहे हैं शायद। आसिफ भाई आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है। शायद भाई आसिफ भाई जब तक अपना ऑडियो फिक्स कर रहे हैं, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इस वक्त अजहर अली पे? देखिए यार, अगर मैं यही कह रहा हूँ, अजहर अगर डिसीजन ऊपर से आ रहे हैं, आने भी चाहिए, मतलब कोच का इन्वॉल्वमेंट होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन कैप्टन का एक मुझे जो रोल नजर आ रहा है ना, आपने प्रीवियस मैच में भी देखा कि वो बड़ा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, कप्तानी भी नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी अपनी एक परफॉर्मेंस जो है ना वो क्वेश्चन मार्क हुई भी है, और लास्ट पिछले 10-15 इनिंगों से वो स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस किस्म का कप्तान कैरी करते हैं तो वो फिर आपको वो डिक्टेट होता है जो कि नजर आ रहा है, बॉलिंग में भी नजर आ रहा है, बाहर से मैसेज आ रहे हैं उसको वो
ऑलमोस्ट जो मैसेज आ रहे हैं उनको वो डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। और ऑब्वियसली उनको एक इनिंग चाहिए, और कप्तान को जितना हमारे यहाँ जितना प्रेशर में लोग ले आते हैं या डाल देते हैं, हमारा हम बाय नेचर ही ऐसी कौम है ना हम लोग, जिस दिन कुछ परफॉर्म करते हैं उस दिन हम चढ़ा भी बहुत देते हैं, और जिस दिन नहीं करते उसकी जमीन पे ला के गिरते हैं, तो प्रेशर तो नो डाउट है। उस वजह से कह रहा हूँ, अदरवाइज जिम्मेदार अजहर अली ही होंगे। आसिफ भाई की आवाज आ रही है? अब आ रही, बिल्कुल आ रही है। आसिफ भाई, अब यही सवाल आपकी तरफ, यही सवाल आपकी तरफ जो शादा भाई ने भी जवाब दिया है। चले, ओ फिर चली गई आवाज़। आसिफ भाई फिर चली गई आपकी आवाज़, पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक आपका ब्लूटूथ का कनेक्शन आउट इन एंड आउट हो रहा है मेरे ख्याल में। आप ठीक है? आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। हाँ अब हो गया, अब हो गया, बेटर। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं पहले बात करूँ कि अजहर अली को तो बता दिया गया है ये कि अब उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट कमेटी है उसके बड़े अहम रुकन है वसीम अकरम, वो वहाँ इंग्लैंड में मौजूद है, और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रिव्यू करेगा जो अजहर अली की परफॉर्मेंस है उसको। लेकिन अगर आज के आप मुकाबले को देखें, आप करते ये हैं कि जब भी आप मुकाबले में जा रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा आप डेटा चेक करते हैं, थोड़ा सा आप हिस्ट्री चेक करते हैं। इस ग्राउंड की हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बड़ी हिस्ट्री नहीं है, चार ही यहाँ पे मैचेस हुए हैं। लेकिन अगर आप पिछला मुकाबला देख लें तो वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था। इंग्लैंड ने टॉस जीता जैसे शादाब ने बताया, और इंग्लैंड ने उसके बाद बैटिंग का फैसला कर लिया, और इंग्लैंड की टीम 204 रन तक पहुंची। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पिच बैटिंग के लिए कदरे आसान होती चली जाएगी, जो इसमें हिस्ट्री है जिसको देख, इसलिए मैं समझता हूँ, मैं भी ये समझता हूँ कि टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला हुआ है वो मुनासिब नहीं है। और एक और वजह यह है कि जब आप एक बॉलर को ड्रॉप करके बैट्समैन खिलाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ बैटिंग करना मुश्किल होगा, तो फिर आपने क्यों बैटिंग कर ली पहले? और दूसरी टीम ने भी यही किया है, उन्होंने जैक क्रॉली को खिलाया, इसका मतलब है कि वो भी अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, तो इससे भी इंडिकेशन मिलता है। लेकिन अगर आप बैटिंग को मजबूत कर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, जबकि आपकी आप यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टैंड का रिकॉर्ड है इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज वो 23 रन का है, 23.9 के 23 रन का है, और यहाँ पर विकेट भी अगर आप एनालिसिस डेटा देखें तो वो भी 30-32 रन का आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रन बनाना नए गेंद से आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें सोचते हुए, इतना ज्यादा खेले हुए आपके हेड कोच हैं, आपके बैटिंग के कोच हैं, इवन बॉलिंग कोच भी आपके, मुश्ताक अहमद जिनको आपने इसीलिए रखा है, चार तो बड़े नाम कंडीशन से आपको बताएंगे, तो उसके बाद भी अगर आप इस तरह से फैसला करेंगे टॉस जीतने के बाद तो ये नुकसान होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पिच, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ये पिच बैटिंग के लिए अब आसान होती जाएगी और मुश्किल होती चली जाएगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा सलमान, इधर मैं एक बात ऐड कर देता हूँ। बात यह है कि आपने प्रीवियस मैच देखा होगा, प्रीवियस मैच में आप दो लेग स्पिनर से गए थे, ठीक है ना। जब आप दो स्पिनर से जाते हैं तो फिर आपको आप कोशिश करते हैं कि चौथी इनिंग में आपको बॉलर आपको एडवांटेज दे, तो आप पहली बैटिंग करते हैं, समझ में आती है। इस मैच में तो आप एक ही स्पिनर से जा रहे हैं, हाँ, सही तो बात। किसने कहा आपको कि यार, और दूसरा आपका पता है कि क्लाउडी वेदर था, वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वहां, जब प्रेडिक्ट करते हैं तो वो आपको पता है 100% वो सही उनकी होती है प्रेडिक्शन, तो आपको पता था आज ऑन एंड ऑफ मैच बैटिंग होगी। और बैटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जो कि नजर आ रहा होता है कि बैट्समैन जैसे ही थोड़ा सा अपना विकेट पे स्टे करता है उसके बाद मैच रुक जाता है, तीन दफा मैच रुक गया तो वो फिर से एक जरूर से शुरू करता है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन को वापस आना। तो ये सारे फैक्टर हैं, आई डोंट नो, ये कोचिंग पैनल ये चीजें अब तो बहुत एडवांस हुई, चीजें देखनी चाहिए थी। एंड आई होप कि अल्लाह ताला दुआ शुआ हमारी रहे तो दुआ शुआ उसमें निकल जाए ये लोग। अच्छा आप दोनों से ये एक सवाल, मैं बड़ा क्रिटिकल सवाल है, मिसबा की जब वो कप्तानी देखते थे उनके कप्तानी खेलने के दिनों में बड़ी डिफेंसिव कप्तानी होती थी, बड़े बैकफुट पे सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच होती थी। अब यहाँ पे आपने शादा भाई आपने कहा गोल्डन वर्ड्स के कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बॉलिंग है, यू नो बैक इन द डेज हम अपनी स्ट्रेंथ को लेकर चलते थे जिसकी वजह से हमसे टीमें डरती थी और पहले ही बैकफुट पे चले आती थी। मिसबा ने सेफ्टी फर्स्ट की वजह से बैटिंग पहले तो नहीं करवा ली? नहीं नहीं यार देखें आप, होता ही है, नहीं अभी थोड़ा सा ना आपने शो ये करना है कि हम बड़े पॉजिटिव हैं। अच्छा अंदर से आप बेशक डरे हुए हो, तो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप आपकी चीजें आपके फेवर में नहीं है तो आप वो चीज कर लें। और दूसरा प्रीवियस मैच में मैं समझ सकता हूँ कि आप जा रहे थे दो लेग स्पिनर से तो चलो एडवांटेज ले लो, अभी क्या जरूरत थी यार, क्लाउडी वेदर था, बॉल आपको पता है उन्होंने अपना चार मीडियम पेसर से उन्होंने शुरू किया, आर्चर को ड्रॉप किया बकायदा इसी वजह से कि यार ये करंट को लेके आए कि भाई वो आके बॉल स्विंग करेगा सीम करेगा, तो उनको पता है यार ये कंडीशन मीडियम पेसर के लिए बड़ी आइडियल होगी। और आप देखिए किस तरह का सीम हो रहा है बॉल ना,
वो उसमें आप बैटिंग को मजीद आप उसमें डाल रहे हैं मुश्किल के अंदर, तो मुझे तो ये इस किस्म का डिसीजन हैरत है मुझे। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब कप्तान स्ट्रांग ना हो, क्योंकि बैट्समैन कप्तान है और वो अगर फ्रंट से आए और अपना वो बताए कि भाई हम बैटिंग जो है कंफर्ट जोन में करना चाहते हैं, हम जैसे चेस करेंगे या जो चौथी इनिंग, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अगर आप चौथी इनिंग भी खेलते हो तो आप पहले वाले सेशन एक घंटा दो घंटा तो आप एडवांटेज लेते हैं ना अपनी बॉलिंग से, उनको आउट करके, स्पेशली उस टेक्निक के जो उनके ओपनर्स हैं आजकल। सही बात। सो आसिफ भाई आपसे ये सवाल, क्या पाकिस्तान ने बैकफुट पे स्टार्ट किया इस मैच का टॉस से? नहीं, वो तो बात हो गई, वो तो सलमान ये तो तय हो गया कि आपने बैकफुट पे स्टार्ट किया है, अंडर प्रेशर स्टार्ट किया है, सिर्फ ये दिखाना, क्योंकि पिछले मैच में अगर आप इसी मैदान पे पिछले मैच पे अगर जाएं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, उसके बाद क्या बातें हो रही थी उनके पास उस वक्त कप्तान, उनके पास भी इनएक्सपीरियंस था, उनके पास पेन स्ट्रोक्स कर रहे थे कप्तानी, तो उस वक्त ये बात हुई थी कि क्यों उन्होंने ऐसा फैसला किया, तो फिर ये बात निकल के आई कि शायद वो ओपोजिशन को ये पैगाम देना चाहते थे कि हम पॉजिटिव हैं, लेकिन उसका नुकसान हुआ, उन्हें चार विकेटों से हार गए, 204 रन किए थे इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग, और उसके बाद फिर 300 रन और फिर 300 प्लस रन इंग्लैंड ने भी किए, बतदरीज फिर आसान होती गई बैटिंग, और आखिरी इनिंग में 200 रन करने थे वेस्ट इंडीज को, जो उन्होंने 6 विकेटों पर आराम से कर लिए। तो ये पूरा प्लान आपको देखना चाहिए था कि इस एजीएस बॉल की स्टेडियम में इससे पहले क्या हुआ है, बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर रन बनते हैं, लेकिन शुरू में बहुत मुश्किल होता है शुरू में, और नया गेंद यहाँ पर मुश्किल होता है, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी, जो कि इतने एक्सपीरियंस जो आपकी इंतजामिया है उसके होते हुए बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अब हो गया। अब ये है कि पिछले मैच का जहन में रखते हुए 200 के हिंसे को जहन में रखें, अगर यहाँ पर 200-210 भी हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अच्छा खेल लिया, फिर आपको बॉलिंग में अच्छा करना पड़ेगा। आपने इंतजामिया की बात की तो हमारी बादशाह की इंतजामिया तशरीफ ला चुकी है, लकी सिंह जुड़ गए हमारे साथ। तो लकी क्या लकी भाई कैसे हैं? लकी भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, लकी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही लकी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाजों का मसला है यार, आवाजों का मसला भाई, हमारी आवाजें बंद हुई नहीं लग रहा है, चीख चीख के। लकी पाजी अपनी आवाज फिक्स कर रहे हैं, उनका ऑडियो माइक म्यूट हुआ है। लकी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है सर, आ रही है। लकी मैं आसिफ भाई का सबको मुबारक हो, पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की, थैंक यू वेरी मच। इनका कल, मैं लकी का कल इंडिपेंडेंस डे इंडिया का, आज पाकिस्तान हम साथ ही हैं, आपको एडवांस में आपको मुबारक, थैंक यू सर जी, थैंक यू। लगी आसिफ भाई की बात चल रही थी, उन्होंने एक टारगेट की बात की, 126/5 पाकिस्तान है, किस सेफ जोन में देख रहे हो? 200 सेफ जोन है पाकिस्तान के लिए, पहली इनिंग में पहुंच गया तो अचीवमेंट होगी नहीं होगी, सवाल आता हूं तो भाई तरफ। 200 प्लस की बात हो रही है पिच का, हाँ जी थोड़ी सी मैंने आसिफ भाई की पहले भी बात सुनी, डेफिनेटली यस, इतने तजुर्बेकार सारे एक पैनल में हैं और आप उस जगह पे जाके खेल रहे हो जहां पे आपको पता है कि वहां पे स्कोरिंग हो नहीं रही पहली इनिंग में, तो आजकल की क्रिकेट तो आधी क्रिकेट तो टॉस पे भी है, आपने टॉस लेकर फिर से बैटिंग कैसे कर ली, एंड स्पेशली व्हेन योर बैट्समैन आर स्ट्रगलिंग, आप सिर्फ एक चीज चेक करो, लास्ट में सलमान, लास्ट मैच में भी हमने एक बात करी थी, मसूद एंड अपना बाबर आजम, इन दोनों की सेकेंड इनिंग में भी पारी चाहिए थी टू विन द मैच, एक्सेप्ट सारे बैट्समैन को छोड़ के, तो एक हिसाब से आप देखें कि ये दो बैट्समैन, या तो बाबर आजम को लेके चलो आप, ये इतने प्रेशराइज होंगे हर मैच में जब आप ऐसी क्वालिटी यूज करोगे कि आपने पहले ही आधा गेम दे दिया, ये तो शुक्र करें कि बारिश हो रही थी, शायद आज ही कहीं लपेटे भी जाते अगर बारिश ना रुकी होती, सर बारिश ना हुई होती तो अ वेरी बैड डिसीजन, व्हेन स्पेशली आप इतनी यंग टीम को साथ में लेकर आए हो, तो आपको डेफिनेटली फ्रॉम फर्स्ट गेम एक चीज तो सीखनी चाहिए थी कि जहां पे आप जाके अभी खेल रहे हो वो जगह सेकंड इनिंग के लिए बेहतर है। शायद मैं लगी कमेंट को आगे बढ़ाता हूं, आपकी तरफ आता हूं, क्या अगर बारिश नहीं होती पाकिस्तान ऑल आउट हो सकता था आज आपके ख्याल में? देखिए फोरकास्ट तो आपको पता है ना, हर आपने यार आउट होने पे तो एक बॉल किसी को भी पड़ सकती है, आबिद अली को आप देखे ना वो 60 रन कर गए ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपना कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे वो, एक आदमी जब 20-25 रन कर लेता है वो कंफर्टेबल हो जाता है, मतलब वो विकेट पड़ चुका होता है, लेकिन जिस तरह स्विंग और सीम हो रहा था वो कंफर्टेबल रही नहीं,
और आपको नजर ही नहीं आया कहीं से वो शॉट मारते हुए। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हो, लकी भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यार वैसी आपकी बैटिंग बहुत वीक है, और फिर आपने मतलब आपने जो बैटिंग ऑर्डर आपने किया हुआ है, आप जिसको बाबर आजम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, वो भी इतना टच में नहीं नजर आ रहा। खैर उसकी क्लास है, उसने आपने सेकंड बॉल देखो जिस तरह उसने मिडिल किया था, वो चीज एक्चुअल नजर आनी चाहिए थी प्लेयरों के अंदर, बाकियों में वो सब में मिसिंग है, क्योंकि सब अपनी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म लाने के लिए। उस जगह पे जहां प्लेयरों की फॉर्म ही नहीं है, उधर आप टॉस जीत के बैटिंग कर ले तो यार आप क्या मैसेज करना चाह रहे हो। वो सही कह रहे हैं लकी के आजकल टॉस बड़ा वाइटल हो गया है, क्योंकि अब जो है ना मैच जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस हो गए हैं। आपका जो है आपका जो जिसे कहते हैं आप स्ट्राइक रेट बड़े इंपॉर्टेंट हो गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आज अभी आप देखो ना, अभी भी आप 2 रन 2.25 रन के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, तो इसका मतलब बैटिंग स्ट्रगल कर रही है ना, तो उसमें मजीद जो आपकी बैटिंग स्ट्रगल है उसको आप और मुश्किल कंडीशन में डाल रहे हो। तो आई डोंट नो ये किस इनका क्या माइंड सेट है, किस माइंड सेट से ये खेल रहे हैं। और अभी मैं फवाद की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप आगे करना चाह रहे हैं, वरना मैं आपको बताता और फवाद की तरफ चलते हैं, ले चले आप हमें फवाद की। तो यार मैं मुझे तो सबसे पहले तो फवाद का मुझे आज आज जब वो खेला तो मुझे ऐसा लगा कि उसके लिए 14 अगस्त है आज। अच्छा। बड़े अरसे बाद आजाद हुआ वो, 13 को आजाद हो गया वो, 11 साल। और दूसरा उसका उसका करियर भी मुझे ना वो COVID-19 जैसा लग रहा है कि वो मतलब बेचारा ना उसको 11 साल हो गए यार उसको वापस कैप बनाए हुए, ठीक है ना। उसको आपने आइसोलेट किया हुआ था, घर के अंदर बंद किया था पिंजरे में, उसको आपको डोमेस्टिक का वो लेबल लगा के, और 11 साल बाद एक बंदा वापस आता है वो भी आपके सुख ला रहे। देखो अभी आपने बात की थी मिसबाह की कप्तानी की, मिसबाह जिस एज में वापस आए थे ना उनको डायरेक्ट आपने कप्तानी दी थी, ठीक है। ये होता है कॉन्फिडेंस कि आपने एक प्लेयर को बड़ा सीनियर बड़ा एज था मिसबाह की, फिर आपने उसको टीम घर से बुला के लाया, उसकी फॉर्म नहीं थी, उसको घर से बुला के डायरेक्ट कप्तानी दी, आपने कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा फवाद आलम को क्या किया, 12,000 रन किया, प्लेयर पहले आके बेंच पे बैठा रहा कि नहीं जी इसकी टेक्निक नहीं है। आप अपने उसको ट्रेवल क्यों कराया आपने जब उसकी टेक्निक सही नहीं है, इंग्लैंड क्यों ले गए भाई, तो कौन सा प्रेशर आपको आपको आप नहीं ले पाते। अब जब आपने उसको वहां पे बिठा लिया तो उसके बाद अब आपके जब फेल हुए बैट्समैन, जब आपने गलत डिसीजन लिए, जहां इनको खिलाना था फवाद को वहां इन्होंने खिलाया नहीं, जहां शादाब को खिलाना था आज वहां आपने शादाब को ड्रॉप कर दिया। भाई ये मैच वैसे ही आपको पता है ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, 3 दिन बारिश का है मामला, तो वैसे ही मैच छोटा होता रहेगा। तो आपके पास तो एक एक्स्ट्रा बॉलर और आ जाता, शादाब ने 40 रन भी किए हुए थे, तो जहां प्लेयर को खिलाना है वहां नहीं खिला रहे। अब उसे 40 रन तो किए थे ना, तो अब क्या हुआ कि लोगों का प्रेशर आवाम का प्रेशर जी लेके उसको खिला दिया। 11 साल का बटन पहाड़ जैसा हम समझ सकते हैं क्रिकेटर कि 11 साल का पहाड़ जैसा वो लेके बोझ आया होगा। दूसरा उसकी टेक्निक ऐसी है कि हर आदमी मजाक उड़ाता है, लेकिन भाई उसने 12,000 इसी तरह रन किए, तो उसको कॉन्फिडेंस कौन देगा। उसको पता है कि टीम वो अपने ही कॉन्फिडेंस लेके आया हुआ है जो 12 साल से 11 साल से वो खुद ही कैरी कर रहे हैं, टीम ने उसको नहीं दिया। वरना अगर इतना कॉन्फिडेंस होता तो इतनी फॉर्म में अभी तक पहला मैच खिलाते उसको आप। सही बात है, छठा बैट्समैन वही था टीम में। सलाह भाई इसमें मैं ऐड करूंगा, हमने एक सलमान एक एपिसोड किया था इस टॉपिक पे भी कि फवाद आलम मतलब इतना बेहतरीन 12,000 सलाह भाई कहने वाली बात होती है, ये कहीं तुक्के से रन नहीं बने, ये उस बंदे में थी। मतलब 12 साल आप पीछे लेकर जाओ तो एक फिर से हमें याद आता है सचिन तेंदुलकर, है ना, कि मतलब उस बंदे में कितने रन की कैपेबिलिटी थी। आपने जब वो पीक में था तो आपने उसके साथ पॉलिटिक्स खेल ली, अब आप उसको ऐसी जगह ले जाके गेम दे रहे हो जहां पे मतलब अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी थोड़ी देर के लिए मार खाता है, तो डेफिनेटली आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। और ये चीज नहीं, देखिए मैं इधर इधर आपको ऐड कर रहा हूं कि आप इंसान को मेरे ख्याल में बहुत से लोग उनको बोलते भी शर्म आ रही होगी, उसका फर्स्ट क्लास में तकरीबन 50 प्लस का एवरेज है और टेस्ट क्रिकेट में भी 40 प्लस का एवरेज है उसका। यार उस प्लेयर को आपने 11 साल बिठा दिया घर पे, उसका करियर तो खत्म कर दिया ना हमने बेसिकली। आपने उसकी उम्र ही दो इनिंग फेल होगा, वो दो इनिंग फेल होगा, अब आप उसको बोलोगे जी थैंक यू वेरी मच, खत्म, उसकी क्रिकेट फिनिश है बस, थैंक यू। ये तो हमारे मुल्कों की खासियत हो गई है ना सदा भाई, जब वो लड़का मतलब देश के लिए कुछ कर सकता था तो आपने उसके साथ इतना बदसलूकी वाली काम करी। नहीं आपने यार सिस्टम बर्बाद कर दिया था, जो डोमेस्टिक सिस्टम है ना, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र फवाद की ये थी कि फवाद के कंधों पे डोमेस्टिक का पूरा सिस्टम इस वक्त खड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो परफॉर्म करता तो फिर इनको समझ में आती है डोमेस्टिक से प्ले उठाने चाहिए जो परफॉर्म करते हैं, वरना ये हैंड पिक करते हैं, वरना ये अभी भी शौकीन है हैंड पिक के, इसको ले लो यार ये बंदा अच्छा है। और मासूम मासूम से लड़के रखे हुए, शरीफ शरीफ से कोई कुछ नहीं बोलता है, उनके बड़े बड़े आपने कोचेस रख दिए, उनके आगे किसी की आवाज नहीं निकल सकती, कौन निकालेगा, कोई नहीं, ना शोएब अख्तर है ना यूनुस है। क्रिकेट देखिए इसीलिए तो डाउन हो गई,
ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है वहां पे। अब ये जो बच्चे नसीम आए मुझे ओवरऑल लग रहा है वो तो फील्डिंग इन इंग्लैंड फील्डिंग कर रहा है वो ओवरऑल लग रहा है मुझे प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो गई है सर क्रिकेट की। हाँ मैं इंग्लैंड का छोड़ता था आसिफ भाई आपकी तरफ बात आसिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ मैं ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त चल रहा है दोनों में आपकी तरफ ये लाता हूँ बात कि जो बात शादा भाई और लकी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्वालिटी गिर रही है ये हैंड पिकिंग की वजह से आप बड़ा करीब से देखते हैं आपके ख्याल में हैंड पिकिंग है ये डोमेस्टिक क्रिकेट को हम खुद ही पीछे कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके मैनेजमेंट में। देखिये बात यह है कि थोड़ा सा फवाद पे मैं बात कर दूं फवाद इससे पहले दो होम सीरीज में बेंच पे बैठा रहा बांग्लादेश की टीम आई टेस्ट मैच खेला श्रीलंका की टीम आई यहाँ पे टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली भाई उसको आपको होम सीजन में खिलाना चाहिए था ना जहाँ उसने 12,000 रन्स किए आपने वहां तो खिला दिया बाकी अपने बाकी लोगों को के ये होता क्या है हैंड पिक होती क्या है वो यही होती है कि आपने एक लड़का ऐसा जिसको आपने बनाना है और जिसको आपने खिलाना है तो उसको आप खिलाएंगे बांग्लादेश जिम्बाब्वे श्रीलंका होम सीरीज इसमें आप खिलाएंगे लेकिन फवाद आलम हो गए या ये शादाब कबीर आपके सामने मिसाल बैठे हैं इन लोगों को खिलाएंगे आप इंग्लैंड में ले जाके बड़ी मुश्किल कंडीशन तो ये वारदात जो होती है ना ये बड़ी डेलिकेट वारदात। अच्छा आसिफ भाई आसिफ भाई आपकी बात से लग रही है वारदात बड़ी पुरानी है। हाँ ये होती है ये बड़ी डेलिकेट पुरानी है यार बहुत पुरानी है बहुत पुरानी 2000 ऑस्ट्रेलिया ले गए ये बहुत ही पुरानी है। फिजिकली बहुत फिट लड़का है वो फिजिकली बहुत फिट है फिर वो परफॉर्म करता है बचता किधर है फील्डर वो अच्छा है तो एक ही जगह बचता था जहां उसको मेंटली मार सकते हैं आप उसको आपने मेंटली मार दिया ठीक है ना 11 साल का प्रेशर लेके आप किसी प्लेयर को भेज रहे हो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में यार जिसका आपको ही पता है कि टेक्निकली वो साउंड नहीं है ठीक है मैं उसको देखो बैक नहीं कर रहा उसको करने चाहिए रन और मुझे लगता है कि मेरी दुआएं उसके साथ जो सेकंड इनिंग में करे क्योंकि यार मतलब बेचारे ने बड़ी मेहनत की है यार उसने बहुत मेहनत की है तो उसको एटलीस्ट दो मैच तो मिलने चाहिए और आई होप के उनके जहन में होगा कि दो मैच उसको मिलने चाहिए फेयर चांस मिलना चाहिए फेयर चांस जो आसिफ भाई बात कर रहे हैं फेयर चांस ये था कि उसको उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी टेक्निक के हिसाब से आप सब कॉन्टिनेंट में खिलाते उसमें बहुत परफॉर्म करना था जब वो एक दफा सेटल डाउन हो जाता वो इसी कंडीशन में परफॉर्म करके आपको देता। मैं आसिफ भाई आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ वो सवाल जो मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ डोमेस्टिक को ये पीछे कर रहे हैं डोमेस्टिक में एजाज चीमा के साथ भी पिछले हफ्ते मेरी बात हुई है इसी चैनल पे हमारे बादशाह पे और वो भी ये कहते हैं यार हर साल परफॉर्म करते रहो डोमेस्टिक में लेकिन कोई पूछने नहीं आता तो फवाद आलम के साथ भी यही सीरीज परफॉर्म कर रहे हैं कोई पूछने नहीं आ रहा आप क्या कहते हैं कि हम खुद ही पीछे कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को। नहीं ये मिसाल है ना एजाज चीमा मिसाल है ताबिश खान मिसाल है अब्दुल रऊफ मिसाल है सदफ हुसैन मिसाल है ये फास्ट बॉलर ये सारे सुहेल खान तो पता नहीं कैसे चला गया वरना वो भी नहीं जाता इस वक्त। अच्छा तो जहाज बड़ा था ना बताया हमने यार ये तो फास्ट बॉलर हैं आप बैट्समैन में देख लें कामरान अकमल मिसाल है जरूरत थी टीम को होना चाहिए था उसको सलमान भट्ट मुसलसल रन कर रहा है कहीं नहीं पता इमरान भट्ट सबसे ऊपर रन है नोमान लेफ्ट आर्म स्पिनर है सबसे ज्यादा आउट किए हुए आउट करने के बाद वो पता नहीं वो कहाँ जाएंगे कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है सिर्फ जो चमक है ना जो टीवी पे आ जाता है। अच्छा। या जो चला जाता है ये जो पीएसएल का जो एक नया ट्रैक शुरू हुआ है ना कि पीएसएल में आ जाओ और वहां पे एक गेंद कर दो 150 किलोमीटर पर आवर की बस हो गया काम तेज गेंद कर दी आपने और आप फौरन सामने आ गए फिर आपकी एक सोशल मीडिया हाइप बन गई उसके बाद आप स्टार बन गए ऐसे ही इस दफा भी हुआ है कि आप ले गए सलमान सलमान इधर जो आपके कप्तान होते थे ना बड़े बड़े आप इमरान खान को ले लो वसीम अकरम को ले लो इमरान खान ने इंजमाम उलग को मतलब आप नाम लें सबके वकार इंजमाम मुश्ताक आप सबके नाम लें 90s के इनको बनाया इमरान खान ने ठीक है इनको पिक किया इमरान खान ने फिर वसीम अकरम आए उन्होंने अजहर महमूद ठीक है ना सकलैन ले लें आप मोहम्मद वसीम ये सारे लड़के उन्होंने बनाए राशिद भाई ने हफीज था और इन सबको उन्होंने बैक किया यूनुस को राशिद भाई ने बड़ा बैक किया लेकिन अजहर जब से आए ना क्योंकि कप्तान जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना आपका और कप्तान खुद परफॉर्मर नहीं होगा उस वक्त तक वो अपने प्लेयर्स को नहीं खिला सकता वो खुद कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरों का आंसर करके देगा। सही बात तो कप्तान का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है उस वजह से आप सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वहां से। सही बात इस टॉपिक में भी बिल्कुल नहीं मैं उसमें एक चीज ऐड कर दूं सलमान एक चीज ऐड कर दूं कप्तान को डिसमिस करना जो सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया है ना बिल्कुल वो बहुत गलत फैसला है
क्योंकि अजहर अजहर अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, अजहर अली की फिटनेस नहीं थी, उनको आपने फिट किया वहां लाके, और इससे पहले एक नाकाम तजर्बा उनको कप्तान बना के आप कर चुके हैं। बिल्कुल, तो सरफराज अहमद को हटाना वो एक बहुत गलत फैसला हुआ था। मैं लकी की तरफ, लकी तुम इंडिया के एंगल से क्या देखते हो? सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को लीड करेगी जिताई इंडिया के अगेंस्ट, फिर वर्ल्ड कप अंडर 19 में फाइनल में वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया अंडर 19 का, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। तुम इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या देखते हो सरफराज की कैप्टनसी वर्सेस अजहर अली? यार सलमान, ये तो टोटली डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी जैसे शादाब भाई ने वो बात करी कि जब तक कप्तान ही आगे नहीं आ रहा, इतने बड़े एग्जांपल्स दिए उन्होंने। अभी मैं आंकड़े ही दिखा सकता हूं कि अजहर अली इज प्लेइंग लाइक 90s। आज की क्रिकेट टेस्ट मैच में भी ऐसा हो गया है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन रिजल्ट आ जाते हैं। आप उनकी पारी देखो, 80 बॉलों में 15 रन या 20 रन बनाए उन्होंने, और वो भी मर मर के। मतलब आपको देख के आपकी टीम खड़ी होती है, राइट? और अगर आप ही मतलब इतना मतलब दिख रहे हो कि मैं शैटर्ड हूं, तो डेफिनेटली टीम का तो बुरा हाल होना ही है। इसमें एक बात थी कि आप जब सरफराज की बात करते हो तो वो यंग था या उसमें जुनून था, वो कोई ऐसा स्टेप कर जाता था कि चेंजेस आ जाते थे टीम में ना। ये प्लीज लाइक ये कहीं खोए हुए हैं टीम में, दिखते ही नहीं। तो जब पैशन ही नहीं था तो टेस्ट मैच तो भाई बहुत दूर की बात है जी ना। तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस। सरफराज को चांस मिलेगा फिर से, सही बात। लगी तुम्हारी बात को आगे शादाब भाई पे लाता हूं। शादाब भाई, लगी कहता है अजहर अली एज ए कैप्टन खोया हुआ है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? यार बिल्कुल खोया हुआ है। देख, आदमी स्ट्रगल कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस पे, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो अपनी परफॉर्म करेगा तो जाहिर सी बात है अब वो कैसे बोलेगा यार तुम परफॉर्म नहीं करो, तुम्हें रन करने चाहिए, अपने बैटिंग लाइनअप को कैसे बोलेगा? ठीक है ना, जब खुद परफॉर्म करेगा तो ही बोल सकेगा ना यार। वो तो खुद बेफुक है, वो सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है। देखो अभी आप हम जिस टीम का हिस्सा रहे हैं ना, वो ना आंखों में आंखें डालती थी, चाहे बैट्समैन हो। आपको याद है वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल और सईद अहमद की फॉर्म जारी थी, वो प्रसाद से लड़ लिया आमिर सोहेल, आमिर सोहेल लड़ लिया आंखों में आंखें डाल के। वो लड़ने के बाद नुकसान तो हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ आंखों में आंखें डाल के बैट्समैन भी लड़ते थे और बॉलर ऐसे होते थे जो आंखों में आंखें डाल के बॉल करते थे। अब तो लड़के बेचारे थोड़े सीधे ही है। मैं सीधे देखो अजहर को ब्लेम मैं नहीं दूंगा भाई, नेचर वो बहुत सीधा लड़का है, शरीफ लड़का है। तो उस शरीफ आदमी को आपने एक टाइम पे यही जो कोचिंग स्टाफ होता था, ये उन लड़कों को पसंद करते तो शेर की तरह लड़ते थे। अब जब वो खुद कोचिंग में आए तो उनको सीधे लड़के चाहिए। असद शफीक 70-75 टेस्ट मैच खेल गया आपका, ठीक है। इंतहा शरीफ तो नहीं लड़का है, शरीफ आदमी। वो अभी तक स्टार नहीं बन सका क्योंकि बिकॉज ऑफ शरीफ शराफत, मतलब कोई उसमें कोई वो बात ही नहीं करता, आर्गुमेंट ही नहीं करता, लड़ता ही नहीं है, मतलब आगे से ना आंखें दिखाता है। उसको बोलो स्लिप में खड़ा हो, स्लिप में खड़ा हो जाएगा, कवर पे खड़ा। वो भाई थोड़ा करेक्टर होना चाहिए। एक प्रोग्राम कर रहे थे शिव अख्तर साहब, वो सही कह रहा है, करेक्टर होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, वहाँ करेक्टर है। विराट कोहली एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा करेक्टर है जिसने टीम को लेके उठा लिया। आपका धोनी था, करेक्टर था वो, मतलब काम कूल, लेकिन उस सबने साइडों को लोगों को इतना इतना उसने मतलब मजबूत कर दिया कि आपकी टीम उसे कहाँ से कहाँ लेके चला गया। तो हमें करेक्टर चाहिए ऐसे जो कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, उसके लिए परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। और अगर आप परफॉर्मेंस वाला कप्तान नहीं बनाओगे तो फिर आप इसी तरह जो है ना कोचिंग पैनल डोमिनेट करता रहेगा। सही बात। आसिफ भाई आपकी तरफ आता हूँ, ये बड़ी जबरदस्त बात टॉपिक पे चले गए, कैरेक्टर बनाना पड़ता है। 2010-12-11 के बाद जो कॉन्ट्रोवर्सीज आई स्पेशली आमिर और आसिफ की, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट ने एक रुख लिया कि हमें जो है कॉन्ट्रोवर्सी से बचना है। तो क्या इस वजह से ये ट्रेंड चल पड़ा कि शराफत की क्रिकेट, शरीफ जिंदगी, अच्छे लोगों को लाके लाना, क्या इसकी वजह से चेंज आया? मैं कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बताएं आपका क्या तबसरा है इस बारे में। देखिए इसमें दो इसके पहलू है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग हुआ। मुझे याद है 2010 में, बिल्कुल आपने सही इशारा दिया, एजाज भट्ट आए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और जब वो गए थे तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया था और मैंने कहा था कि आपके दौर के जो आपकी हाईलाइट्स क्या है, तो उन्होंने कहा मैंने प्लेयर पावर खत्म किया। ये एजाज भट्ट के अल्फाज, प्लेयर पावर खत्म किया। आपको याद होगा 2010 के बाद, शादाब को भी याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद एक इंक्वायरी हुई थी और 7 प्लेयर्स को बैन किया था। बिल्कुल बिल्कुल, या बैन किया था या उन पे जुर्माना किया था। शाहिद आफरीदी, यूसुफ, यूनस, शोएब मलिक, इस लेवल के प्लेयर्स शामिल थे। तो वहां से ये जो प्लेयर वर्सेस क्रिकेट बोर्ड शुरू हुआ था, वो वहां से शुरू हुआ था और वहां से फिर क्रिकेट बोर्ड का अपर हैंड आया। फिर शोएब अख्तर गए 2011 में, उसके बाद शाहिद आफरीदी चले गए, उनके बाद यूसुफ को
बिल्कुल आपने अनसेरिमोनियसली निकाल दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो पिलर थे वो लोग जो कि जो टक्कर देते थे वो खत्म हुए, वरना हमने शाहिद आफरीदी वर्सेस क्रिकेट बोर्ड देखा है और पे गए हैं, शोएब अख्तर वर्सेस क्रिकेट बोर्ड हमने देखा है 70 लाख रुपए जुर्माना हुआ था शोएब अख्तर पे, तो वो कैरेक्टर्स अब खत्म हो गए, अब क्रिकेट बोर्ड का अपर हैंड है, अब खिलाड़ी डरा हुआ है, अब खिलाड़ी बहुत सारी चीजों से डरा हुआ है कि अगर मुझे नहीं होगा तो मुझे एनओसी नहीं मिलेगी, मुझे पीएसएल की टीम नहीं मिलेगी, मुझे और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा आपने गैप किया हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि आप देखते हैं कि पाकिस्तान से जो खबर आती है क्रिकेट की वो या तो चीफ एग्जीक्यूटिव का बयान आएगा या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे भी देख लें, ये टूर पे गए हुए हैं, अजहर अली कप्तान है, कितनी मरतबा आपने अजहर अली का सुना है कि अजहर अली ने प्रेस में आके बात की है, कल भी वकार यूनुस आए थे बात करने, कल क्यों आए वकार, टेस्ट मैच आज पाकिस्तान ने खेलना है, यू शुड हैव सेंट द कैप्टन, और कप्तान को सामने आके बैठ के बात करना था जिस तरह से जो रूट आया था। Exactly. तो ये चीजें आप खुद नहीं, ये आप खुद नहीं दे रहे प्लेयर्स। अच्छा मैं पिछले पांच छह सालों से क्रिकेट बोर्ड का अपर हैंड है और प्लेयर्स को उन्होंने दबाया हुआ। वहां देखें इंडिया में जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें कोहली बैठा हुआ होता है और कोहली बैठ के वहां से तस्वीर तक ट्वीट की है एक दफा, जो अभी कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ था, तो वो ये दिखाते हैं कि कप्तान का कितना बड़ा रोल है या कितना से है कप्तान का। ये चीज करनी होगी आपको, तब पता चलेगा कि प्लेयर की वैल्यू ज्यादा है और क्रिकेट बोर्ड की कम है। ये यहाँ पे ये इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान नीचे चला गया, इंडिया उठता चला गया, लेकिन कहाँ पे चेंज आया है ये इंडिया में, तुम्हारे नजदीक शिफ्ट आया है? पहले इंडियंस बड़े शरीफ होते थे, क्रिकेट दब दब के खेलते थे, पाकिस्तानी चढ़े होते थे बुल्टा। सलमान उस टाइम भी स्लेजिंग, देखो ये स्लेजिंग क्रिकेट खाली बॉल बैट की गेम नहीं है, सलमान गेम। अभी जो सलाई और आसिफ भाई ने ये पॉइंट रखा था कि बस हम इससे आप जितने मर्जी टैलेंटेड बच्चे ले आओ, एक नॉर्मल जो क्रिकेट है वो नहीं जाओगे। क्रिकेट एक माइंड गेम है जिसमें आपको वाकई में वो आंखों का आंखों से देखना, वो गुरूर। ये पाकिस्तान की जो पहले टीम रही है, हम बच्चे से देखते आए हैं, हम खुद ही उनको देख कर डरते थे कि क्या बॉलर है ना। वो इंडिया में आके इंडिया से जीत के चले जाते थे, लेकिन एक दौर आया था, जैसे हम पिछले एक इंटरव्यू में हमें विक्रांत भाई ने ये सारी चीजें बताई थी कि एक दौर आया कि जो ब्रॉडकास्टिंग से इंडिया की एक मैनेजमेंट जो चेंज हुई अचानक से, उसने तो सारे चांसेस देना शुरू कर दिए। पैसा तो आया ही आया प्लेयर्स के कारण, लेकिन जो क्वालिटी थी वो नरिश होना शुरू हो गई, चांसेस मिले उन्हें, तो वहां से एक पीक ऐसा गया ऊपर की तरफ कि वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने, और वहां पे पाकिस्तान पीछे रह गया। वहां पे चल रही थी अपनी पॉलिटिक्स, अभी तक वो पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में टीम नहीं है। कैसे नहीं है? अगर टीम नहीं होती तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे जीत जाते 2017 की? एक वो मैच आपने देखा था, हर एक बॉल मैंने वो देखी है, जब कोहली का पहला कैच छूटा है पूरी टीम एक झटका खाई, पूरी दुनिया ने खाया होगा, लेकिन दूसरी बॉल में उस बंदे ने फिर से वापसी की है, इतना शार्प कैच लिया है कि उन लड़कों ने ये क्वालिटी दिखाई है कि भाई हम जीतना चाहते हैं। तो मतलब कह नहीं सकते कि उनमें वो क्वालिटी नहीं थी, दिस इज कि आप उनको किस लेवल पे लेके जा रहे हो। अब जैसे ये बातें हम सुन रहे हैं कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट आपको दबा के चल रही है, बच्चों को ऐसा बना दिया कि आपने बस कठपुतलियों की तरह यूज कर रहे हो, तो ये क्रिकेट में तो भाईजान सबसे बड़ी बात, टेस्ट मैच में इसका कोई आंसर नहीं आने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला जब तक लड़के एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। डिफरेंस क्या है ना, आप देखो मैच आजकल तीसरे चौथे दिन तो रिजल्ट दे रही है इंडिया की टीम भी। एक टाइम था कि इंडिया खाली ड्रॉ करने के लिए खेलती थी बाहर जाके, एक दौर था कि हम देखते थे कि 5 टेस्ट मैच खेले तो 4 ड्रॉ है भाई, कहीं जीत गए तो वो तो बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन पाकिस्तान इसके अपोजिट में था भी। लेकिन डिफरेंस ये मैनेजमेंट की सोच में आया है, और वो मैनेजमेंट ने देखें हर चीज कर दी, बच्चों को दे दी, पैसा इतना दे दिया कि वो बस उसी को समझ रहे हैं कि इसमें इतना इतना हमारा पैशन है अब कि हम इसमें से पैसा भी कमा रहे हैं, हमारा रुतबा भी बन रहा है और दुनिया में जानी जान भी हो गए। जी यादव भाई, हाँ सॉरी लगी भाई, मैं इधर एक बात ऐड कर दूं कि अभी जो देखो आप क्रिकेट पहले खेली जाती थी, अब क्रिकेट सिखा रहे हैं आप, हमारे यहाँ ये वो मामला आ गए, अब क्रिकेट सिखा रहे हैं। अच्छा इंग्लैंड वगैरह में बाहर प्रॉब्लम भी होती है, उनका वेदर बड़ा प्रॉब्लम करता है, वहाँ इंडोर क्रिकेट होती है, इस किस्म क्रिकेट ऑफ हो जाता है उनका सीजन बहुत अरसे तक, यहाँ ऑफ नहीं होता।
पाकिस्तान इंडिया हो गया, यहाँ मुसलसल क्रिकेट खेलते रहते हैं आदमी। तो जब क्रिकेट इन्होंने सिखानी शुरू की, हमारे यहाँ जब से ये एनसीए वगैरह बनना शुरू हो रहा है, एनसीए में बनने के बाद एनसीए भी प्रॉपर, मैं ही नहीं कह रहा एनसीए गलत है, आपका हाई प्रोफाइल सेंटर गलत है, लेकिन उसने प्रॉपर काम नहीं किया। अच्छा, वो आइसोलेट होकर रह गया लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया उसने। आपका सेटअप ही नहीं बन सका, आप पहले चीजों का सेटअप बनाते हो। अब जैसे नया, अब हमारा नए लोग आए, नया फॉर्मेट है भाई, नया फॉर्मेट बनाया उन्होंने, सिंध की टीम, पंजाब की टीम और उसकी टीम। तो मुझे एक बात बताओ ना, आपने सिंध के पास कौन सा अपना ग्राउंड है, सिंध के पास कौन सा अपना जिम है, ठीक है ना, कौन से अपने कोचेज हैं सिंध के, मतलब जो पूरे साल लड़कों को, सिंध के लड़कों को ट्रेन करते होंगे। तो पहले अपना सिस्टम तो लाओ, फिर मतलब एक पहले पूरा बनाओ ग्राउंड पूरा, उसके बाद फिर आप इम्प्लीमेंट कराओ ना। हमारा एक सिस्टम बड़ा अच्छा चलता था डिपार्टमेंट क्रिकेट का, मैं इसलिए बैक करता हूँ उसे, तो हम वो प्लेयर जो होते थे हमारे पास जो खेलते थे डिपार्टमेंट में, हम किसी ऐसे प्लेयर को बेयर नहीं करते थे जो अपने 25-30-40 रन करे और घर चला जाए। अच्छा। हम कहते थे मैच जिता के दो भाई हमें, ठीक है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 50 रन 100 रन अगर तुम्हें टुक टुक करके अपने मना लिया, हमें नहीं चाहिए, हमें मैच विनर चाहिए होता था। अब जबकि वो एसोसिएशन क्रिकेट खेलता है ना, उसको पता है, जो भी आसिफ भाई बात कर रहे थे बिल्कुल सही है, वो प्लेयर कहता है मैंने अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना है, तो मैं रन नहीं करूंगा तो मेरे को नहीं मिलना, तो वो कोशिश करता है अपनी क्रिकेट खेलता है, बस अपनी 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 सेल्फिश क्रिकेट। तो कहां से प्रोड्यूस होगा, कहां से करेक्टर प्रोड्यूस होगा, ना उसने किसी की आंखों में आग डाली है, ना बॉलर ने डालनी है, क्या होना है। तो जब करेक्टर ही नहीं बन पा रहे हैं तो क्रिकेट फिर इसी तरह की होगी, किसी प्लेयर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, सिस्टम बहुत गोरों का देख के आप चल रहे हो वो गलत है मेरे हिसाब से, बहुत वो सिस्टम, वो स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास ना, वो बुनियाद नहीं है आसिफ भाई, सोशल सिक्योरिटी नहीं है ना यार हमारे पास, सब कहां है, सिक्योर है हर लिहाज, हर आदमी इंसान सिक्योर है वहां। हाँ बिल्कुल, आसिफ भाई, शादा भाई ने बात की टुक टुक की, तो हमारे चीफ सिलेक्शन में भी टुक टुक है और कोचिंग में भी टुक टुक है, तो क्या अब कप्तानी में भी टुक टुक ही चलेगी, बोल्ड डिसीजन होंगे नहीं होंगे, क्या सर, अब मैं आपको बड़ा सवाल पूछूंगा, क्या सरफराज टीम में है, क्या वापस आ सकता है, चांस बन सकता है, या अजहर अली पे अब तकिया है। देखिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ये भी कह दूं सरफराज आ भी जाएगा और कप्तान भी बन जाएगा दोबारा। अच्छा, ये भी हो सकता है, क्योंकि नहीं देखिए क्या हुआ, सरफराज अहमद कप्तानी से जैसे हटे थे, भी हो सकता है, इस तरह अजहर अली भी हट सकते हैं, और बाबर आजम कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो छुपी भी है फिर यहाँ पर। अब क्या हो गया है पाकिस्तान में, अभी एक नया फॉर्मूला आ गया ना कि जी इसने परफॉर्म नहीं किया तो ठीक है इसको हटा दो, कप्तानी फिर भी एक अलग जॉब है, अगर आप चले बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे, अगर आप बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे तो आप बटलर की और वोक्स की पार्टनरशिप तो होने से रोक सकते हैं, आप फील्ड प्लेसमेंट तो कर सकते हैं, आपने 45 रन कवर एरिया में उससे बनवा दिए, इसका मतलब ठीक है आपने वहां पे फील्ड ही नहीं रखी, 45 रन उसने वहां बना दिए और पूरी 100 प्लस की पार्टनरशिप, तो आप ये तो कर सकते हैं, कप्तानी तो आप बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी एक गुण है ना, ये भी एक क्वालिटी है। तो मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है सरफराज अहमद वापस पाकिस्तान टीम के कप्तान हो, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना उन्हें हटाने की कोई लॉजिक थी और ना उन्हें वापस लाने की होगी, ना वापस, जैसे आपने उसको हटाया ना जो आपका कोच था इससे पहले, अभी मिकी आर्थर, जब वो सेट हो गए, जब उनसे पूरा अपने प्लान ले लिया, जब वो सेट हो गया, जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो जब ठीक था, जब वो सेट हो गया, जब उसे आपने बुलाया, मुझे तो यहां तक पता चला है कि उसको ये कहा गया कि आप ले आइए आपका प्लान क्या है, तो उसने फिर आगे पूरा वर्ल्ड कप तक का और उससे आगे तक का जो T20 वर्ल्ड कप पहले होने वाला था ना उस वक्त तक का उसने प्लान पूरा इनको बना के दिया और वो प्लान सारा ले लिया, और उसके बाद यही मिसबा इत्तेफाक से उस कमेटी में भी थे जिन्होंने कहा कि हमें मिकी आर्थर नहीं चाहिए, ठीक है, और फिर वो खुद बैठ गए। तो आप देखे ना कि किस कदर किस तरह की वारदातें होती हैं, मैं तो यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो आदमी ये बैठा हुआ है, जो ये फैसला कर रहा है कि सलमान भाई ये प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो खुद ये प्रोग्राम करने बैठ जाए। सही बात, लक्की भाई अगर ये कहें, लक्की भाई कहें कि यार सलमान भाई प्रोग्राम अच्छा नहीं करते इनको हटा दें, और लक्की भाई खुद बैठ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद वही एक फ्रेंचाइज का हेड कोच और वही पाकिस्तान टीम का हेड कोच, वही पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर, तो पहले बाकी चीजों को तो ठीक करें, ऑन फील्ड परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पूरा सिस्टम है जो मैंने कहा ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो निजाम है उसने प्लेयर्स को सप्रेस किया हुआ है। आप जरा सी बात करते हैं अचानक, जैसे हफीज की मिसाल मैं आपको दूं,
कुछ टाइम पहले हफीज ने सोशल मीडिया पर कुछ कह दिया तो फौरन उनको फोन चला गया और उनको तंबी कर दिया। हालांकि जो बाकी लोग हैं, जो बाकी साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो तो उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत तो आप खिलाड़ियों को फ्रीडम दीजिए, अगर आप फ्रीडम उनको देंगे तो फिर वो उनका ऑन फील्ड भी वो चीज नजर आएगी। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ पूरा सिस्टम काफी खराब हो चुका है पिछले कुछ चार पांच, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। सलमान, इधर एक 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 बात मैं और ऐड कर दूं आसिफ भाई की, तो आपको और क्लियर हो जाएगी। बात यह है कि आपका जो पूरा जो कोचिंग स्टाफ है ना, पैनल, एक्सेप्ट मुशी भाई का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ कंट्रीज में भी की है, बाकी सारे कोचिंग अभी सीख रहे हैं। I'm sorry to say, बड़े नाम है इंडिविजुअल, कब से लगे हुए यार इंडिविजुअल। देखें, आपसे पाकिस्तान टीम के साथ लगे हुए ना। अच्छा, मैं से बात ये कह रहा हूँ कि जब आप क्वालिफिकेशन देखें, जब आप क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं ना कोचिंग की, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वो चीज नजर आ रही है सबके अंदर। हाँ। हो सकता है कि मिसबाह खुद जो है ना ऐसी कंडीशन के अंदर बैटिंग करके अपने आप को सर्वाइव कर ले, क्योंकि वो आपको पता है वो इस किसी भी कंडीशन में रोक रोक के कर लेते हैं, उनको आदत है इस किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो डिफेंसिव प्लेयर थे, बहुत ज्यादा विकेट पे स्टे करते थे। लेकिन अब प्लेयर जो है, बाकी जो आपके पास फोर्स है, वो मोस्टली सारे शॉर्ट्स खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो ड्राइव मारते हैं, खेलते हैं। उनको जब आप इस कंडीशन में डाल रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मिसबाह खुद प्रैक्टिकली ये काम करते थे जी। लेकिन जब आप कोच बन जाते हो ना यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जब हम कोचिंग करते हैं ना अपने डिपार्टमेंट में इधर उधर, तो हमने रियलाइज किया कि नहीं यार, हमें अपना आप निकालना पड़ता है। अब आप कोच हो, आपने पूरे वो जो 11 या 16 लड़कों का स्क्वाड है, उसको आपको लेके चलना है, और हर किस्म का करेक्टर होता है, उनको किस तरह आपने मैनेज करना है, ये बड़ा एक प्रोसेस है। आपने इंडिया के अंदर देखो होगा, लकी बताएंगे, जैसे राहुल द्रविड़ की मिसाल दे रहा हूँ, अंडर 19 को कोच कर रहे हैं, वो उस प्रोसेस से होते हुए सीखते हुए एक नई अपनी इनिंग खेल के फिर अपनी इंडियन टीम को सर्व करेंगे। हमारे यहाँ वो ये कि इनको डायरेक्ट दे दिया गया, बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, सब बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनकी सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ। सेकंड इनिंग में उनका एक्सपीरियंस कम है, जो एक्सपीरियंस उनका नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी समझते हो इतनी दूर बैठे, मैं भी ये देख रहा हूँ कि यार आप पहली बैटिंग कर रहे हो, आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी बैटिंग टोटल स्ट्रगल कर रही है। आपने जाके उनको बोला नहीं यार सर्वाइव कर जाएंगे एक घंटा, वहां एक घंटे का मसला ही नहीं था, वहां तो अभी चलता रहेगा जिस तरह का वेदर है, बॉल एयर में भी स्विंग होने, पड़ने के बाद भी सीम होने, तो आप क्या करोगे फिर अगर यहाँ 150-200 में आउट हो जाते हो। तो ये एक जो सिस्टम है ना, ये ऊपर से चीजें सही होंगी फिर ऑटोमेटिकली, ये प्रोसेस है लंबा, एंड आई होप कि ये चीजें जल्दी से सही हो जाए, वरना बड़ा मसला हो जाना। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, डिस्कशन बड़ा जबरदस्त हो रहा है, लेकिन टाइम का भी वक्त का भी मैं ख्याल करता हूँ। फाइनल टॉपिक, फाइनल बात की तरफ मैं आता हूँ, लकी आपकी तरफ से आप किधर देखते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में, वापस आता हूँ, इस टेस्ट मैच को किधर जाता हुआ देखते हैं, क्या पाकिस्तान 200 कर पाएगी, क्या इंग्लैंड का रिस्पॉन्स होगा, क्या आपकी प्रेडिक्शन है? देखें, फंसे तो हैं, अब सुबह को आपको पता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड की जो नमी होती है, वो 2 घंटे की गेम, अगर वो फिर से बारिश में निकालती तो डायरेक्ट लंच आ जाएगा, शायद वहां पे कहीं सर्वाइवल का चांस हो, आज भी बड़े कैसे छूटे हैं सॉरी। तो डेफिनेटली ये पार्ट ने भी एक 125 सलमान 125 या 26 में 5 हो। गुड थिंग इज कि बाबर वहां पे हैं, लेकिन सर्वाइवल क्रिकेट चल रही है फिलहाल, तो डेफिनेटली सुबह के 2 घंटे तो क्रूशियल हैं ही, अगर बाबर टिका रहेगा थोड़ी देर तो 200 प्लस बनेंगे। बट सलमान, वी आर टॉकिंग अबाउट अ गुड टीम अगेंस्ट अ गुड टीम, है ना, तो इंग्लैंड को आप 200 के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते, दे आर प्लेइंग एट होम राइट, एक प्रेशर तो खुद के ऊपर, आपके ऊपर आ जाएगा, आपके बॉलर्स के ऊपर आएगा, और ऊपर से सारे बच्चे हैं, सारे यंग, जो भी हम बात कर रहे हैं कि इनमें वो अकड़ नहीं है, इनमें वो कैरेक्टर नहीं दिखता कि मैं जाके ना वो बैट्समैन के अगर किसी ने चौका मारा तो मैं उसकी आंखों से आके मिला लूं कि भाई गलती से लग गया है, मैं आ रहा हूं वापस, मैं तेरे शरीर में मारूंगा, ये इनमें अभी है नहीं, ये बच्चे हैं, ये जज्बा तो है लेकिन वो कैरेक्टर जो अभी शदाब भाई ने बात करी थी, इसके लिए इनको टाइम लगने वाला है सलमान। अब लकी भाई, हाँ जी, बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए हमारे पास अंडर 19 की टीम भी है और ए की भी टीम है, तो मेरे हिसाब से बच्चे फिर वही खेले, इधर आपको तगड़े लड़के लेके जाने चाहिए। Exactly. जो कि आपको जगह है, कह रहा हूं कि आप उस टीम से खेल रहे हो जहां पे अभी शुक्र करें बेन स्टोक का बल्ला नहीं चल रहा, बेन स्टोक दिख नहीं रहा, आप चेक करें पहले इनिंग में वो कुछ, मतलब पहले मैच में कहीं भी दिखा नहीं है, बट स्टिल वो गेम लेकर चले गए, मतलब उन्होंने अपनी एक टीम ऐसी बनाई हुई है कि उसमें तजुर्बेकार हैं, तो डिफरेंस ये बहुत बड़ा आने वाला है, बिकॉज दिस इज टेस्ट मैच सलमान। आप एक चीज चेक करो, पहले मैच में क्या हुआ, अच्छा खासा लीड था और आपने वो गवा दिया, आपने लीड तो गवाई आपने मैच भी हरवा दिया, तो वहां पे इनएक्सपीरियंस एंड प्लस कैप्टन की तो पारी आपको चाहिए,
और कैप्टन की पारी तो आपको ये जो तीन का आंकड़ा भी नहीं बन रहा, इसको आपको 3-3.5 लेके चलना पड़ेगा सलमान। अभी हम 5-10 सालों की क्रिकेट जो देख रहे हैं टेस्ट मैच की, इसमें ये हो गया है कि पहले दिन आपने 3.5-4 की एवरेज से रन बनाने हैं, 3-350 तो पहले बन जाते, सो दैट कि चौथे दिन तो रिजल्ट आना ही है कि भाई आप टीम बुला लेते हो। यहाँ पे तो ये हाल हो गया कि आप 150 को रो रहे हो, ऊपर से ये बारिश होने के बाद, मतलब हम अभी कितने पीछे हैं ये चीज तो डेफिनेटली दिख रही है। सही बात। तो डेफिनेटली सलमान पल्लव उनका भारी है, लेकिन ये क्रिकेट है। सही बात। आसिफ भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ, आपकी तरफ अगला सवाल लेकर आता हूँ। लगी कहते हैं 200 तक भी पहुंच गया पाकिस्तान तो अचीवमेंट होगी, पिच बेटर से बेटर होती जाएगी, कंडीशन बेटर से बेटर होती जाएंगी लगता है इस टेस्ट मैच में, आपके ख्याल में पाकिस्तान को बॉलिंग को मुश्किल आएगी या टू मच प्रेशर आ जाएगा उनके ऊपर अगर 200 क्रॉस नहीं होते? देखिए पाकिस्तान 200 करे ना करे, पौने 200 करे, लेकिन एक चीज जहन में रखें कि अगर आप इंग्लिश बैटिंग को देखें ना, सिबली, रोरी बंस, उसके बाद क्रॉली, रूट, ये जो प्लेयर्स हैं ये चारों के चारों को इतने अच्छे टच में नहीं है। अच्छा, तो इस हाँ, और ना होने की वजह से स्टोक्स को अगर आप देखें, स्टोक्स नहीं है, सब रन कर रहे हैं यार, क्या हो गया आसिफ भाई, सबकी कंट्रीब्यूशन तो हुई है, सबने कंट्रीब्यूट किया यार, बटलर ने कर दिया, सब मैच विनर्स ऑलमोस्ट। बटलर तक तो मैं आया नहीं ना, मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं। हां, टॉप ऑर्डर में टॉप 6 रॉयल बर्न्स, इनको मुश्किल हो रही है, रॉरी बर्न्स जिस तरह से आउट हो रहा है, जिस तरह वो खड़ा होता है, पाकिस्तान की बॉलिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान की बॉलिंग है, पाकिस्तान की मुश्किल इनकी, इनके टॉप ऑर्डर को मुश्किल डाल सकती है। बाकी फिर रहे बटलर हो गए, उनके अलावा वोक्स हो गए, फिर उनको आपने वो गलती नहीं करनी जो पहले की है, अगर वहां तक आप चले गए तो आपको ये मौका भी मिलेगा। और पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि स्पिनिंग ऑप्शन नहीं है, स्पिन करने में असद शफीक ऑफ स्पिन करता है, फवाद आलम लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, शान मसूद मिलिट्री मीडियम करते हैं, अजहर अली लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, तो बॉलिंग के ऑप्शंस पूरे हैं, लेकिन आपकी पेस बॉलिंग ही आपको यहाँ पर आसानी या आपको फायदा दे सकती है। पिछले मैच में 6 आउट किए थे जेसन होल्डर ने जी, और 5 आउट किए थे गैब्रियल ने जी, दूसरी इनिंग में उसने आउट किए थे, टोटल उसने 9 आउट किए थे, तो फास्ट बॉलर्स को यहाँ फायदा मिलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये विकेट हमने देखा है कि ये आसान होती जाती है। और यहाँ पर जो रन पर ओवर है वो बड़ा हैरतनाक है, वो 3.19 है रन पर ओवर जो है, तो इसका मतलब है यहाँ पर बाद में रन बनाना आसान होता है। ये पाकिस्तान को ये देखना होगा, बॉलिंग अप फ्रंट पाकिस्तान अच्छी कर जाए, 200 रन यहाँ से कर जाए, तो मैच के अंदर पाकिस्तान मौजूद है। जबरदस्त। आप शादा भाई आखिरी सवाल आपकी तरफ लाता हूँ, पहले मैच में पाकिस्तान हारा, जो दूसरी इनिंग में इंतहाई बेकार बैटिंग करी, यहाँ पे पाकिस्तान की दूसरी इनिंग कितनी क्रूशल होगी बैटिंग वाइज पाकिस्तान के लिए अगर मैच में रहना है? अभी तो पहली नहीं संभल रही हमसे, पहली संभल जाए, देखो अगर पहली में ही अगर आपने 150 रन पौने 200 रन की लीड खा ली तो फिर बचेगा क्या, ठीक है। वैसे आप मैच उठा लो तो आप एक्चुअली 170 रन की टीम हो, अगर आप पीछे मैच उठाओ, अगर शान के निकाल दो, इधर से यासिर के निकाल दो, तो आप एक्चुअली 170-180 रन कर रहे हो। अच्छा इधर दो चीजें मैं आपको बताऊँ, एक आसिफ भाई को थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँ, बर्न के अलावा इनके तमाम प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके पास ठीक है ना, क्रॉली नहीं था ना पहले, क्रॉली तो अभी आया ना, ठीक है, नॉर्मली सारे उनके उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, टच में थोड़े बहुत हैं। मैं इधर एक जो आपको एक इंडिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने देखा कि इंग्लैंड के दोनों सीनियर मोस्ट बॉलर थे उनके साथ, ये यंग उनका जो स्लॉट था, बाकी यंग बॉलर जो है उन्होंने को साथ में उनको चले, हमारे यहाँ दोनों जो मेन स्ट्राइक है ना वो यंग है, एक अब्बास हमारे पास, तो आप कह सकते हैं कि उसकी इंग्लैंड में थोड़ी परफॉर्मेंस है, तो ये एक बड़ा मैं कहता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि समटाइम जब ये टीमें बनाते हो ना, मैं नॉर्मली सुबाइयत की बात नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको कोई बोल देना या तीन जो है ना सिंध के या कराची के खिला लो, तो ऐसा लगता है कि वो आपने कोई ना कौमी असेंबली की सीटें आपने उनसे छीन ली, यार अपोजिशन ऊपर आ जाएगी, तो वो उसी तरह इनका जाग जाते हैं अचानक। भाई सोहेल खान इतना फॉर्म में है, इस कंडीशन को आपका सीनियर मोस्ट बॉलर बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता, आप बताएं ना, क्रिस वॉक बॉल कर रहा है, उसका सीम अभी भी हो रहा है, इधर विकेट इतना प्रॉब्लम नहीं डालता जितना आपको कंडीशन डालती है, जो कंडीशन इंग्लैंड की है ना, वेदर कंडीशन आपको पता है, 3 दिन तो बारिश के हैं, तो डेफिनेटली मॉइस्चर तो रहेगा विकेट के पास, एयर में भी आपको आपको एडवांटेज मिलेगा और सीम वहां होता रहेगा। हमारा जो माइंड सेट हो गया ना, हम क्या कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंटल वाली क्रिकेट को अभी भी लेके आ रहे हैं कि जी विकेट ड्रा है तो हमें जिताएगा जी यासिर, ओ भाई यासिर क्या हुआ, यासिर को जाने के लिए आपने उस दिन चौथे दिन आपने हैवी रोलर ले लिया,
हैवी रोल लेके आपने विकेट और डेड कर दी, वो और उसका स्लो ब्रेक होना शुरू हो गया। तो मतलब आप मतलब क्या हो रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 117 टेस्ट शादाब, 117 टेस्ट मैच यूनुस के, 75 टेस्ट मैच मिसबाह उल हक के, ये लोग नहीं बता सकते ये हैवी रोलर लाइट रोलर की बात। एग्जैक्टली मैनेजमेंट में जो बैठे हैं आसिफ भाई, ये सारी चीजें वहां से निकल के आती हैं। कहते हैं ना कि ये सारा का सारा पैनल इतने तजुर्बेकार नाम वहां पे मौजूद है कि ये बच्चों को पूरी एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल क्रिकेट की एक बायोग्राफी डायरेक्ट दे सकते थे कि भाई यहाँ पे ये चीजें होती है, ये चीजें होती नहीं है, ये चीजें होंगी। लकी भाई मुझे आप ऐसी टीम बताएं जो टॉप पे हो और उसकी जो कोचिंग पैनल के अंदर बहुत बड़े स्टार्स हो। टॉप की चार टीम्स अगर आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया आप देख लें, आप इंडिया में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, आप उसके अलावा न्यूजीलैंड में देख लें, मतलब ये संजय बांगर कितने अरसे इंडिया का बैटिंग कोच रहा। संजय बांगर कोई बड़ा नाम तो नहीं है, कितना टाइम उसको उन्होंने रखा। इसी तरह से हेसन, माइक हेसन न्यूजीलैंड के साथ रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी जस्टिन लैंगर हो गया या लीमन हो गया या इस तरह के लोग, उन्होंने भी उठा के एरन बॉर्डर को तो नहीं रखा ना। नहीं बिल्कुल सही बात, विकी पॉन्टिंग को लैंगर की मिसाल दे सकते हो, सचिन तेंदुलकर को नहीं रखा ना। आप लैंगर की मिसाल देख लें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 2 सालों के अंदर कितनी बिखर गई थी लेकिन उन्होंने निकाला नहीं। लैंगर ने वर्ल्ड कप के टाइम पे देखे क्या चेंज लाया, 1-2 सालों में उसने फिर से मतलब ऐसी टीम बना दी है कि ऑस्ट्रेलिया हो गई। 1-2 साल ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल हुआ था, 15-17 मैचेस कंटिन्यू हार गए थे वो। यार लकी भाई इधर हम चार बंदे बैठे हैं, आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई, आपने मेरे को यार शदाब भाई बोल रहा हूँ, मैं आपको लकी भाई बोल रहा हूँ, वो आसिफ भाई है, वो सलमान भाई है, वो हमारा कल्चर है यार ये, ठीक है ना। वहाँ यूनुस वकार यूनुस के अंडर में मिसबाह खेलते रहे, ठीक है, उधर उधर अभी मिसबाह बोलेंगे वकार को, वकार इधर आओ यार ये करो, उधर फायदा नहीं हो रहा होगा यार, टीवी में कुछ और है। आप कल्चर कैसे चेंज कर दोगे यार, आप कह रहे हो गोलो वाला कल्चर नहीं होता, भाई आप आपका सिस्टम है, आप अपने कल्चर को लेते हुए चलोगे ना यार, या फिर अलग क्या मतलब नहीं होगा भाई जान। हम तो खुद कनाडा में रहते हैं शादा भाई, यहाँ तो कल्चर ने क्रिकेट खा दी फिर भाजी। वो आदमी देखें हमारे यहाँ जॉब लेने के लिए आप मुझे आप ऊपर एक बंदे के काम करते रहो लेकिन अचानक आप उसके नीचे काम करने लगते हो यार, मुझे तो समझ में नहीं आता यार। मतलब आपको कुछ छोटा नाम नहीं है लोगों को जितने भी यहाँ बैठे हुए, ठीक है, मिसबाह के ऊपर कप्तानी करते रहे, मिसबाह के ऊपर कोचिंग करते रहे, एक टाइम पे डांटते भी रहे होंगे इन लोगों, आज जी उसकी उसके मशवरों पे चल रहे कि नहीं जी वो मशवरा तो वही देगा हेड कोच, ओ भाई नहीं है हमारा ये कल्चर नहीं है, ये आप गलत बातें कर रहे हो। अच्छा मिसबाह का डेब्यू भी वखार की कप्तानी में हुआ था 2001 में, अगर याद करें आप लोग। यार अभी तो इतने वाकई टाइम नहीं, सुना दूंगा तो आपकी चीजें निकल जानी है। सलाम नहीं करो तो आप फंस जाते हो यार। अच्छा एक ही मैच में समी और फैसल इकबाल मिसबाह इन तीनों का एक साथ हुआ था, बिल्कुल मुझे याद है 2001 में वहां पे टाइम। भाई आप लोगों से मैंने कहा था हम आधे घंटे बात करेंगे, तो डिस्कशन इतना जबरदस्त, इतना मजा हुआ, शादाब भाई शुक्र है रुक गए वरना शायद अभी बैठे रहते हम लोग। बस मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ जो खिचड़ी पक गई है ना मैनेजमेंट की, इससे ये बिरयानी पकाने की कोशिश कर रहे हैं जो बनती नहीं। इतने बड़े बड़े नाम है कि प्लेयर्स इनसे ही दब जाते हैं तो ये खुल के क्या खेलेंगे। आप अपने ड्रेसिंग रूम में दबे दबे रहोगे तो आपकी फील्ड पे भी वही दबी दबी परफॉर्मेंस नजर आएंगी, वही आपका पैटर्न नजर आएगा जो हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का, आज फ्री एट के साथ ये हमारी कोलैबोरेशन थी और होपफुली आगे चलेगी, इसको दोबारा करेंगे, बड़ा जबरदस्त टॉपिक था और लगता है कई बातें और होनी है जो हो नहीं पाई आज। आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, शादा भाई आपका बहुत शुक्रिया, लकी साथ होता है तो अगली बार हमें आना चाहिए एक बार फिर पोस्ट मैच एनालिसिस लेके मैच के एंड में, इस पर हम मजीद अपनी ऑफलाइन बात रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग बादशाह भी देखते रहे, फ्री हिट भी देखते रहे, आई थिंक फ्री हिट अगर टाइप करें तो आपका पहला ही चैनल आता है यूट्यूब पे, तो फ्री हिट आप लोग टाइप करें और जरूर सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी, यहाँ बादशाह को भी वही मौका दें और इंशाल्लाह हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक अच्छी रिजल्ट के साथ टेस्ट मैच के बाद। थैंक यू मेरी तरफ से, खुदा हाफिज़। थैंक यू सलाम।